नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है नई दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग तिकोना से संबंधित। तो इसमें बात करेंगे कि आखिर अभी ये चर्चा में क्यों है, किस संदर्भ में लिखा गया है, और आपके भारत और चीन के बीच जो मध्य का विवाद का जो बिंदु है उसे भी हम लोग देख लेंगे, क्या क्या विवाद है हमारे भारत और चीन के बीच। क्योंकि आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि कुछ दिन से बहुत भारत चीन विवाद चर्चा में बना हुआ है। देखेंगे अमेरिका व चीन के मध्य विवाद के क्या कारण हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक मुस्लिम जाति चर्चा में रहती है, उइगर मुस्लिम, एक कौन होते हैं उन्हें देखेंगे। उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर भारत व अमेरिका का रुख क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत व अमेरिका, अमेरिकी समझौते के मायने क्या है, इसकी चिंताएं क्या है आखिर, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग मैप्स में स्थिति देख लीजिए तीनों देशों की। देखिए एशिया महाद्वीप में आपका ये भारत है, ये आपका चाइना है, ये आपकी नई दिल्ली हमारी राजधानी है और ये चाइना, ये है बीजिंग। ठीक है, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, ये दोनों एशिया में है और 21वीं सदी कहते हैं एशिया की सदी है। आप समझ सकते हैं कि पहले नंबर पर चीन जनसंख्या में, दूसरे नंबर पर आपका भारत है। अगर उत्पादन हो, बाजार बहुत बड़ा बाजार है अपना भारत और चीन, अगर ये दोनों देश मिल जाए तो हकीकत बन जाएगी कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। क्योंकि कोई भी अमेरिका क्यों हमसे व्यवहार व्यवहार रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो बाजार ज्यादा है। और आप जनसंख्या ज्यादा होगी यानी कि खरीदने वाले कुछ सामान ज्यादा होंगे तभी तो आप उत्पादन करेंगे। अब आप सोचिए कि उत्पादन कोई आपके यहाँ खरीदने वाला ना हो, किसी वस्तु को आप बनाए जा रहे हैं, आप ही घाटे में जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये चाइना आपका जनसंख्या में पहले नंबर पर है और क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। और आप वो रूस देखते हैं ऊपर, ये आपका रसिया हो गया। अब बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका कहाँ है आपका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडियन ओशियन है यानी कि हिंद महासागर, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, इसमें आपका यूनाइटेड स्टेट ये है, ठीक है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया, नॉर्थ पैसिफिक यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया, नीचे आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका, ठीक है, साउथ अटलांटिक सी हो गया, ये ओशियन। अपने भारत के पास श्रीलंका लगा हुआ है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा लगती है आपकी आप बांग्लादेश से और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से, ठीक है, सबसे कम पीओके वाला हिस्सा लगता है। तो चलते हम लोग आर्टिकल को देखते हैं फिर बात करेंगे कुछ। पिछले कुछ दिनों से भारत व चीन के मध्य सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव देखा जा रहा है। इस तनाव को दूर करने के लिए दोनों ही देशों के मध्य शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है, परंतु इस घटनाक्रम के बीच ही दोनों देश एक दूसरे पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा G7 यानी कि G7+ समूह में भारत को आमंत्रित करना उसके बढ़ते रणनीतिक कद को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर तनाव बना हुआ है, जिसमें हांगकांग की स्वायत्तता, ताइवान से तनाव, कोविड-19 की उत्पत्ति,
दक्षिण चीन सागर में तनाव और व्यापार जैसे विभिन्न पहलू शामिल है। चीन अभी भारत से क्या विवाद करने का क्या कारण हो सकता है? मेन कारण यही है कि चीन नहीं चाहता है कि अमेरिका से भारत मिले, चीन नहीं चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में भारत कुछ ऐसा करे जिससे चीन को हानि हो। हांगकांग मामले में चीन नहीं चाहता है कि भारत की एंट्री हो, समझ रहे हैं आप लोग, ना ताइवान में, तो इसलिए दबाव डाल देता है चीन, हर देश पर डाल देता है कि वो अमेरिका से दूरी दूरी बनाए रखे और शांत बैठे, क्योंकि अमेरिका देख रहा है आप कि अमेरिका हर चीन पर इतनी कड़ी नजर रख रहा है, समझ रहे हैं, उसने वो कोरोना वायरस को उसने चीन वायरस कह दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। विभिन्न विशेषज्ञ अमेरिका के इस निर्णय को आगामी भविष्य में चीन की नीतियों से निपटने के लिए सभी पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाने की योजना के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बदलती भू राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार अपने हितों को पोषित करता है। अब देखिए भारत चीन के मध्य विवाद के बिंदु क्या है। भारत चीन के मध्य हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गालवान घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, जहां भारत का आरोप है कि गालवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वही दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गालवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। देख लीजिए आप लोग अक्साई चीन का नाम, यह है आपका अक्साई चीन, दिख रहा है आपको, यहीं की बात चल रही है, ये आपका चीन का हिस्सा अक्साई चीन ये है। G7 समूह के विस्तारीकरण और उसमें भारत की सदस्यता के कारण भी चीन आपका नाखुश नजर आ रहा है। पूर्व में आपका हुए अन्य विवाद जैसे आपका पेकोंग तिसो मुरेरी झील विवाद 2019, डोकलाम गतिरोध 2017, अरुणाचल प्रदेश में आसफीला क्षेत्र का विवाद भी प्रमुख है। एक बात आप लोग देख लीजिए एक बार, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ आपका सिक्किम के पास डोकलाम विवाद हुआ था। एक बात हमेशा याद रखा करिए, क्या होता है कि चाइना अक्सर बताता रहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा उसका है और अपना कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। जब भी हमारे यहाँ की कोई बड़ी शक्ति यहाँ जाती है तो उसका विरोध भी करता है चाइना, ठीक है। ये आपका भूटान हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG में भारत का प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकूल रूप दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि भारत को प्रवेश मिले परमाणु आपूर्ति के समूह में या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिले, उसके भी बात पक्ष में आपका चीन नहीं है। बेल्ट एंड रोड पहल संबंधी विवाद और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भी चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन किया जाता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जो आप पीओके वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान से मिलकर योजना यहाँ एक निर्माण करता रहता है कई योजनाओं का, इसलिए हमारा भारत चीन का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ एक किसी की जमीन विवाद है आपकी और सामने वाले की, तो आपका सामने वाला किसी से दोस्ती करके उस जमीन पर कुछ कारोबार करवाने लगे तो आप तो बुराई मानेंगे ना, क्योंकि अभी आपका विवाद चल रहा है, उस पर निर्णय नहीं आया उसका कुछ, समझ रहे हैं। तो यही भारत की प्रॉब्लम है। और एक बात सीमा पार आतंक की, तो चीन हमेशा इस पर, अभी अजहर मसूद के मामले में आपने देखा होगा कि चीन को वीटो पावर मिली हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो वीटो पावर कर देता था, और वीटो पावर का ये मतलब है कि अगर 5 देशों में से एक देश अगर उसका समर्थन नहीं करता है किसी प्रस्ताव का तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, समझ में आया। तो काफी हद तक फिर बाद में कुछ ज्यादा ही दबाव डालने लगा चीन पर, तब जाकर उसने वो वीटो नहीं किया।
तब जाकर आपका आतंकवाद की सूची में वो शामिल हुआ है। अमेरिका व चीन के मध्य अगर हम लोग विवाद के कारण बताएं तो अमेरिका चीन के मध्य हालिया विवाद कारण कोविड-19 संक्रमण व उससे जुड़ी जानकारियां छिपाने को लेकर है। दोनों ही देशों ने कोविड-19 संक्रमण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया है। परिणाम स्वरूप उनके मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि कई देशों ने अभी ऑस्ट्रेलिया आपका उसमें शामिल था, इन्होंने अमेरिका शामिल था, उसने कहा कि जहां से चीन के जिस शहर से वायरस का उत्पन्न हुआ है वहां जाकर हम जांच करना चाहते हैं कि आखिर किस क्या कारण रहा है। तो चीन ने इस पर मना कर दिया। वो कहते हैं कि जो आंकड़े थे उन्हें भी नष्ट कर दिया चीन ने। ठीक, इसके अतिरिक्त विगत वर्ष हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका ने हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति दी गई कि हांगकांग में अशांति की वजह से इसे विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना उचित है या नहीं। चीन की सरकार ने हांगकांग को उसका आंतरिक विषय बताते हुए अमेरिका के इस अधिनियम को चीन की संप्रभुता पर खतरा माना है। हांगकांग देख लीजिए आप लोग मैप्स में कहाँ है, ये आपका ताइवान हो गया, देखिए। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आपका ताइवान, ये आपका हांगकांग देख रहा है आपको, ये है हांगकांग, ये आपका ताइवान का मुद्दा बना रहता है अक्सर, ताइपे जिसकी राजधानी है। ठीक है, हाल में ही अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने उइगर मानवाधिकार विधेयक को मंजूरी दी है, जो आपके उइगर मुसलमान हैं उनके अधिकारों के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है। अब एक शब्द आपने देखा है यहाँ कि उइगर मुस्लिम होते कौन है, इस्लाम धर्म को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र सिजियांग प्रांत में रहते हैं। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी लगभग आपकी 40% है। इस क्षेत्र में उनकी आबादी बहुसंख्यक है थी, परंतु जब से इस क्षेत्र में चीनी समुदाय हान की संख्या बढ़ी है और सेना की तैनाती हुई है तब से स्थिति बदल गई है, यह समुदाय अल्पसंख्यक स्थिति में आ गया है। सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं जिसका उद्देश्य चीन से अलग होना है, समझ रहे हैं, मतलब चीन से अलग होना है इनका उद्देश्य। देखिए ये क्षेत्र है पश्चिम, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा आपका चाइना है, नीचे आपका ये भारत देख रहे हैं आप लोग, नेपाल, तो इस क्षेत्र में रहते हैं पश्चिमी क्षेत्र। वर्ष 2019 में अमेरिका ने चीन को की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग का मानना था कि हुआवे द्वारा तैयार किए जा रहे उपकरण देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर हमारे भारत व अमेरिका का रोक क्या है उसे देख लीजिए। अमेरिका का मानना है कि सिंजियांग में आधुनिक नजरबंदी के शिविर हैं जहां होलोकॉस्ट बड़े स्तर पर नरसंहार के बाद इतने बड़े स्तर पर लोगों का दमन किया जा रहा है। अनेक लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार शिविरों को उच्च सुरक्षा वाले जेलों के रूप में चलाया जा रहा है जिसमें आपके कठोर अनुशासन दंड की व्यवस्था है तथा इन शिविरों से किसी को बाहर जाने की अनुमति भी नहीं है। भारत ने पूर्व में चीन की मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति का खुलकर विरोध नहीं किया, परंतु चीन द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कश्मीर नीति का विरोध करने के परिणाम स्वरूप भारत ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए चीन की मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति की आलोचना की है। यानी कि हम समझ सकते हैं, हम पहले अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाते किसी भी देश के खिलाफ। आपने देखा होगा परमाणु हमला के बारे में यही कहा गया है, जो न्यूक्लियर बम है इनके बारे में भी यही कहा गया है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि अपनी तरफ से पहले हम यूज नहीं करेंगे,
अगर कोई हम पर वार करता है तो हम बदले में उस पर वार करेंगे। समझ रहे हैं आप? बात करते हैं भारत व अमेरिकी साझेदारी के मायने क्या है। भारत अमेरिकी समर्थन के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को विभिन्न विवादित मुद्दों पर वार्ता करने के लिए तैयार कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की सीमा में चीनी सीमा के प्रवेश करने के मुद्दे को चिंताजनक करार दिया है। चीन द्वारा पूर्व में वैश्विक महामारी के संबंध में जानकारियों को छिपाने तथा अब अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण विश्व बिरादरी के सम्मुख अलग-थलग हो गया है। आप समझ सकते हैं, जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो तब भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बयान आया कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। यहां जैसे ही चीन और भारत के बीच विवाद उठा तो इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण दे दिया। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि चाइना ने और भारत ने कहा कि मैं द्विपक्षीय मुद्दा है और हम आपस में बैठकर समझौता कर लेंगे। और उसके बाद आपने देखा है कि बैठकें हुई हैं आपकी, वो समझौता निकल आया। तो कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसकी सीमा में तीसरा कोई देश दखलंदाजी करे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि तीसरा आएगा तो फिर समझ सकते हैं कुछ ज्यादा ही मुद्दा उठने लगा है। भारत को वर्ष 1980 के दशक में चीन के साथ हुई सीमा बर्ताव या फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की चीन की नीति को बंद करने के लिए दबाव डालना हो, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, वर्ष 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच हुए विवाद में अमेरिका ने भारत का खुला समर्थन किया था। भारत अमेरिकी साझेदारी के माध्यम से चीन को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों पर लगाम लगाने के लिए विवश किया जा सकता है। आप समझ रहे होंगे कि भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है अमेरिका, तो ऐसा नहीं कर रहा है। वो भी तो चाहता है कि चीन पर नकेल कसने का एक ही जरिया है, वो है भारत। समझ रहे हैं? क्योंकि हम चीन के पड़ोसी हैं और फिर भी हम दक्षिण चीन सागर को गलत मानते हैं, उसके सम कब्जे को चीन के, तो वो चाहता है कि हमारा साथ चाहता है, इसलिए अमेरिका हमारे साथ जुड़ा रहता है हमेशा। याद रखिए, हमेशा कोई देश, कोई भी देश हो, आपका अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो या कोई भी अन्य देश हो, अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं। तुम्हारा फायदा उन्हें कभी नहीं दिखता है, ठीक है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1971 तक आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का मूड था और रूस का रसिया का हमारी तरफ था, लेकिन अब उल्टा हो गया बिल्कुल। रसिया आपका पाकिस्तान की तरफ जाने लगा और अमेरिका की तरफ हम झुकने लगे, यानी कि अमेरिका हमारी तरफ झुकने लगा। अब चिंताएं देख लेते हैं, आखिर चिंताएं क्या क्या हैं। भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में अमेरिका से अन्य देशों का समर्थन अवश्य प्राप्त करना चाहिए, परंतु किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विश्व बिरादरी के समक्ष यह संदेश जाएगा कि भारत द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान में स्वयं सक्षम नहीं है। एक सबसे कारण यही रहता है कि कोई भी देश नहीं चाहता है कि हमारे अंदर आकर हमारा समझौता करवाएं। भारत को चीन के संबंध में अपनी आक्रामक नीति का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना होगा ताकि यह दोनों देशों के मध्य कटुता का कारण ना बने। द्विपक्षीय संबंधों के निर्धारण में भारत की अमेरिका पर निर्भरता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं हमेशा बोलता आया हूं ना कि हम अगर चाइना और भारत मिल जाए, एक हो जाए, अगर अच्छे संबंध हो जाए तो 21वीं सदी, लोग तो कहते हैं वास्तव में 21वीं सदी एशिया की सदी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है भारत और चाइना, और जितने भी एशिया महाद्वीप के देश हैं वो जनसंख्या में सबसे बड़े हैं। और आज के लिए बाजार के लिए क्या चाहिए? जनसंख्या। कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसके लिए जनसंख्या, तो बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए, आप दोनों में बनती ही नहीं है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए द्विपक्षीय वार्ता का विकल्प अपनाना चाहिए। सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है ताकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय को दूर किया जा सके और संबंधों को मजबूत किया जा सके। भारत को अमेरिकी समर्थन का उपयोग चीन के विरुद्ध भया दोहन के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने संबंधों को सुधारने के लिए करना चाहिए, ना कि चीन को नीचा दिखाने के लिए। अमेरिका व चीन के झगड़े में ना पड़ते हुए
भारत को अपना सर्वोत्तम हितों को साधने का प्रयास करना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी कि हमें अपना काम करना चाहिए। तो ये कहानी थी आपकी नई दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग की प्री कोविड की। ठीक है, तीनों देशों के संबंधों के बारे में जान लिया है आपने।